हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। क्यों? हाँ, तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा था? हमने देखा था व्हाट इज टैक्स, बराबर है। उसके बाद हमने देखा था टैक्स के दो डिफरेंट टाइप्स, करेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने वो छोटी सी कहानी थी उसको हमने देखा था कि उसके ऊपर से हमने समझा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, और बहुत अच्छे से हमने डिटेल में हर पॉइंट को समझ के लिया था, करेक्ट है। अब बच्चों अपन क्या देखना है? देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी लॉ का, देखो कैसा है बच्चों कि हमने लॉ बना दिया, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ बना के छोड़ दिया, तो चलेगा क्या? नहीं सर, ऐसे कैसे चलेगा। हम भी जैसे हमारी पढ़ाई की पॉलिसी बनाते, मैंने आज डिसाइड कर लिया कि कल मैं दो लेक्चर रिवाइज कर लूंगा, दो सारे हमारे दो टॉपिक जितने भी हुए हैं वो सब कर लूंगा, ऐसा मैंने सिर्फ प्लान बनाया। प्लान बनाने से हो जाएगा? नहीं सर, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबसे पहले लॉ बना के छोड़ दिया, यार कोई इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा। फिर गवर्नमेंट को समझ आया, नहीं यार हमारे पास ऐसी एक कोई बॉडी होनी चाहिए जो हमने जो लॉ बनाया उसको कंट्रोल करे, उसको एडमिनिस्टर करे। क्या करे? एडमिनिस्टर। तो हम देखते हैं कि किसी भी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। ये सभी लॉज को अप्लीकेबल है, लेकिन हम अभी हमारे IDT और GST कस्टम के पुरता ही देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो हम देखेंगे अभी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, जिसके अंदर देखो बच्चों तीन ऑर्गन्स में हमने डिवाइड किया है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो तीन ऑर्गन के अंदर होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्गन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन। विच ऑर्गन बच्चों? लेजिस्लेटिव ऑर्गन। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटरी, बराबर है, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। देखो पूरा डिटेल में देखेंगे अपन, सिर्फ आप अभी ध्यान दो कौन कौन से ऑर्गन है वो समझ लो। और तीसरा होता है हमारा जुडिशियल। जैसे लॉ, कोई भी लॉ सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे, बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और जो इंप्लीमेंट नहीं करेगा उसको मारेंगे या उसको पकड़ेंगे या उसको क्या करेंगे, पेनलाइज करेंगे, पेनल्टी चार्ज करेंगे, बराबर है। तो हमने या उसके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग, जैसा कोई लॉ नहीं समझ में आया तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम क्या है? लॉ बनाना। क्या काम है? लॉ बनाना। हमने इसके पहले डिस्कस किया है बच्चों लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या रहता, कौन कौन लेजिस्लेटिव ऑर्गन में आएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, हमने देखा था, करेक्ट है। उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि उनका हेड कौन रहेगा, पार्लियामेंट, कौन सॉरी सॉरी सॉरी, उनका हेड कौन रहेगा, प्रेसिडेंट, कौन हेड रहेगा, कोई भी। देखो जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का हेड कौन रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी गुड बच्चों। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर हमें लॉ बनाने के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम ही ये है कि वो लॉ बनाया जाए, करेक्ट है। जो हमने बोला था कि हम कैसे कोई लॉ बनाएंगे, लोकसभा राज्यसभा से पास करेंगे, टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जो थी वहां से पास करने के बाद में वो एक्ट में कन्वर्ट होगा, हमने देखा था ना बच्चों, तो वही है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर हम क्या देखते हैं कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अंदर लॉ मेकर्स कौन है उसके ऊपर डिस्कशन होता, करेक्ट है। सेकंड है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या है, इंप्लीमेंटेशन लॉ का, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। जैसे कि हमने GST का लॉ बना दिया, बराबर है, मतलब पार्लियामेंट, सबसे पहले हम वो भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे GST का लॉ बना, लेकिन मतलब उसकी हिस्ट्री पूरी देखेंगे, लेकिन हम अभी ये देखेंगे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन लॉ का किया जाना है, उसके पहले लॉ बनाया गया था। GST जो है वो पिक्चर में लाने के लिए उसके ऊपर बहुत सी स्टडी हुई, फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर जो थे जिन्होंने वो प्रेजेंट किया, उसके ऊपर प्रेसिडेंट की असेंट मिली और उसके बाद में वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ, बरोबर है। वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाने के बाद में
उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करना, क्योंकि टोटली न्यू लॉ था बच्चों। मतलब 2017 में जब जीएसटी पिक्चर में आया तब तो वो सबके लिए नया था, मेरे लिए क्या और आपके लिए भी, सबके लिए नया था। तो उस वक्त में उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना वो सबसे बड़ी डिमांड थी। और वो इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका हेड कौन रहेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड रहेंगे। और वो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को, जिसके अंदर जो हमारे लॉ है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ और डायरेक्ट टैक्स के लॉ, वो आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, करेक्ट है बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है हमारे रिसेंट में, पता है बच्चों, निर्मला सीतारमण जी, यस यस यस, वही हमारे अभी रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, यस। तो जैसे हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंदर कौन एग्जीक्यूशन करेगा, लॉ का प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो वो। मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बोला कि एग्जीक्यूशन जो है उसका हेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, अगर मैंने जीएसटी नहीं भरा तो मेरे को आके घर पे आके बोलेंगे, गट्टानी जी आपने जीएसटी नहीं भरा यार, ऐसे कैसे चलेगा, आओ भरो चलो, ऐसे बोलेंगे मोदी जी। नहीं यार, मोदी जी से पॉसिबल नहीं है, मोदी जी अगर वो काम करेंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा ना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर वो क्या करते हैं, वो उन्होंने एक बॉडी बनाई है, ठीक है बच्चों, उन्होंने क्या बनाई है बॉडी, जिसको हमने कल देखा था, एक थी सीबीडीटी और एक थी सीबीईसी। हाँ, तो हमको देखना है सीबीईसी, क्योंकि हमारे पिक्चर में कौन आता है, सीबीईसी, वेरी गुड बच्चों। तो जिसके अंदर दो सीबीएसई में कौन कौन से लॉ थे, वैसे तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर के लॉज है वो सब सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, कंट्रोल करता है, मतलब मॉनिटर करता है। वो ये देखता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी लॉ का करना है तो सीबीएसई उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक बच्चों। इसके अंदर हमको देखना है एक जीएसटी और दूसरा देखना है कस्टम, ठीक बच्चों। देखो बहुत अच्छी से और बहुत डिटेल में हम एक एक चीज देख रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था क्या है लॉ, फिर उसके बाद में हमने कौन से टाइप्स के लॉ, फिर हम देख रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में तीन ऑर्गन, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल। तो पहले हमने देखा लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो इम्प्लीमेंट करते हैं, और अब जुडिशियल ऑर्गन क्या है, जुडिशियल ऑर्गन हम सबने सुना है बच्चों, वैसे तो देखो लॉ बना दिया बराबर है, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन करते वक्त कुछ इश्यूज आए, जैसे कि मैंने कोई लॉ बना दिया और उसके अंदर कुछ एम्बिग्यूटी है, मतलब वो फिक्स नहीं है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है। लॉ तो बना के रख दिया लॉ मेकर ने, बहुत बार ऐसा होता कि उसका मीनिंग हम समझ नहीं पाते एक्चुअल में लॉ का क्या मीनिंग है। तो फिर उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत बार क्लैशेस आते हैं डिपार्टमेंट, मतलब ये है एक डिपार्टमेंट सीबीएसई जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो वो क्या करते हैं डिपार्टमेंट और जो हमारे लॉ, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उसके बीच में जो इश्यूज आते हैं वो सॉल्व कौन करेगा, तो वो सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गन है, वो है जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन में आते हैं हमारे कोर्ट्स, कोर्ट, ठीक है बच्चों। ठीक है, कोर्ट में कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेरी गुड बच्चों। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट कितने हैं बच्चों इंडिया में, 10 है ना, नहीं, 15 है ना, कितने, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक ही है ऑल ओवर इंडिया में, गॉट इट। और हाई कोर्ट जो है वो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से दिए गए, मतलब हर स्टेट के हिसाब से एक दिए, कहीं पे दो भी है वो एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन नॉर्मली हर स्टेट में एक हाई कोर्ट मैंडेटरीली है, ठीक है बच्चों, यस। तो अब हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और कैसे उसको कोई भी लॉ को बनने के बाद हम छोड़ नहीं देते, लॉ बनने के बाद उसको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके अंदर अगर कोई इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको रिजॉल्व करते हैं, बराबर है बच्चों।
तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हम जैसे इंडिया में लॉ 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 हम बोलते हैं, तो लॉ कैसे बनता है, लॉ उसके बाद में उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। आप टैक्सेशन देख रहे हो तो आपको पता होना बहुत मैंडेटरी है बच्चों। चलो हम अब आगे थोड़ा सा बढ़ते, अब हम थोड़ा जाएंगे जीएसटी के हिस्ट्री के ऊपर। मतलब जीएसटी आने से पहले कुछ था या नहीं था, या एकदम अचानक से जीएसटी आ गया, आपको मे भी पता होगा या नहीं पता होगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके नॉलेज पर्पस के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जीएसटी लाने की क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि अब हम आईडीटी में आ गए, अंदर हम एक एक टॉपिक अब देखने वाले, जीएसटी देखेंगे, कस्टम देखेंगे, लेकिन जीएसटी देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए ना बच्चों कि यार जीएसटी तो अभी आया है 2017 में, फिर उसके पहले क्या था और क्या जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को जो उन्होंने जीएसटी लॉ निकाल के लेके आए। कुछ तो लगा होगा ना यार। देखो पहले नॉर्मली हम लोग हमारे वही घर में रहते, पुराने वाले घर में, लेकिन फिर नए घर में क्यों शिफ्ट होते हैं, कुछ तो एडवांस हमको सर्विस मिलनी चाहिए या कुछ तो भी एडवांस फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इसलिए करते हैं ना बच्चों। तो फिर हम ये देखेंगे कि भाई जीएसटी लाने का पर्पज क्या था और पहले पुराने लॉज क्या क्या थे, क्या क्या इंप्लीमेंट होते थे। तो हम सबसे पहले अब एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो स्टोरी अगर आप देखोगे तो आप बहुत मजा आएगा, बहुत मजा करोगे, लेकिन मजा के साथ साथ आपको पढ़ना है और आपका जो फोकस है वो कंसेप्ट पे होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो अभी देखो, एक थी रेखा, कौन थी रेखा, और एक थी, ठीक है, एक थी रेखा, एक थी जया। रेखा थी ट्रेडर, कौन थी बच्चों, रेखा ट्रेडर, और जया भी थी ट्रेडर। ये ट्रेडर का मीनिंग पता है ना आपको, मेरे को लगता पता होगा। ट्रेडर मतलब क्या रहता है, जो सेल और परचेस करता, क्या करता, गुड्स का, गुड्स का सेल और परचेस जो भी बंदा करता है, मतलब वो क्या करता, गुड्स परचेस करता, उसके अंदर अपना वैल्यू एडिशन जो भी उसका प्रॉफिट होगा वो ऐड करके आगे सेल करता है, उसको हम ट्रेडर बोलते हैं, बहुत सिंपल टर्म है, ठीक है। हाँ, तो रेखा और जया दो ट्रेडर थे, वो क्या करते थे, अमिताभ जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, क्या थी, मैन्युफैक्चर, कौन था वो, मैन्युफैक्चरर, वो गुड्स सप्लाई करते थे। देखो बच्चों बहुत ध्यान से, रेखा और जया ट्रेडर थे, वो अमिताभ को गुड्स सप्लाई करते थे, बराबर है बच्चों। अच्छा, अमिताभ को जो गुड्स सप्लाई करते थे वो किस पर्पज के लिए गुड्स सप्लाई करते थे, ताकि वो गुड्स के अंदर कुछ तो माने मतलब वैल्यू एडिशन करके एक कोई तो नया प्रोडक्ट बनाए और नया प्रोडक्ट लाके मार्केट में सेल करे, बराबर है। तो दोनों ने अमिताभ जी को गुड्स सेल कर दिए, ठीक है। अब अमिताभ जी ने क्या किया, अमिताभ जी ने ये दोनों के गुड्स लेके एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम था अभी, क्या बच्चों, प्रोडक्ट का नाम क्या था, अभी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो प्रोडक्ट जो है वो आगे एक ट्रेडर को दिया, ट्रेडर को दिया, किसको दिया, ट्रेडर को। ट्रेडर का नाम क्या था, ट्रेडर का नाम था ऐश्वर्या, क्या था, ऐश्वर्या। देखो रेखा और जया दो ट्रेडर थे, उन्होंने गुड्स दिया, किसको दिया, अमिताभ को, अमिताभ ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो दोनों को मिक्स करके, और फिर वो ट्रेडर को दिया, किसको दिया, ऐश्वर्या को दिया, बराबर है। लेकिन ऐश्वर्या का काम क्या था पता है क्या, ऐश्वर्या अमिताभ जी से गुड्स लेती थी और आगे किसी को सेल करती थी, लेकिन वो जो क्या करती थी, वो गुड्स भी देती थी और कुछ सर्विसेज भी देती। हो सकता है ना यार, ऐसा कैसा, जरूरी है क्या मैं सिर्फ गुड्स ही दूं, मैं कुछ सर्विसेज भी दे सकता। तो जैसे ऐश्वर्या जी क्या करते थे, वो जो गुड्स है वो आगे सेल करते थे, ये जो आगे सेल करते थे वो सेल करते थे वो किसको, वो करते थे करिश्मा जी, किसको, करिश्मा जी, क्या देते थे, गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे सलमान जी, कौन थे, सलमान जी, उनको देते थे सर्विसेज। बच्चों ध्यान दो, हाँ, तो
बहुत बहुत मस्त एग्जाम्पल है। देखो रेखा और जया दो ट्रेडर थे, वो क्या करते थे, वो गुड्स बनाते थे और अमिताभ जी को देते थे। अमिताभ जी क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। प्रोडक्ट का नाम था अभी, उन्होंने दिया ऐश्वर्या जी को। ऐश्वर्या जी ने क्या किया, वो आगे दिया किसको, दिया करिश्मा जी को। और सलमान जी को क्या दी, सर्विसेज दी। यहां तक की बात क्लियर है? यस। अब समझो पहले क्या था बच्चों, जैसे रेखा और जया जब सेल कर रहे थे अमिताभ जी को गुड्स, बराबर है, तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, यार तुम अमिताभ जी को गुड्स दे रहे हो, तुम कमा रहे हो तो हमको भी चाहिए, तुमने कमाया तो हमको चाहिए। हमने बोला था ना कि भाई आप कमाओगे तो हमको भी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट बोली, देखो हम वैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वैट। कौन लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा काय पे लगाएंगे, ऑन द सेल ऑफ गुड्स। ये पुराना रिजीम है बच्चों, बहुत अच्छी से और ध्यान से सुनो। ये इसलिए भी सुनो क्योंकि आपको ये जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसके अंदर इश्यूज थे जिसके वजह से हमको जीएसटी लाने की जरूरत, बराबर है। अच्छा और एक चीज आपको बताने की रह गई, ऐश्वर्या जी जो थे वो थे महाराष्ट्र के, वेयर एज करिश्मा जी जो थे वो थे कर्नाटक के। ठीक, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ। देखो रेखा और जया दोनों ने गुड्स दे दिए। अच्छा तो जब वे गुड्स दे रहे थे ना, तो स्टेट गवर्नमेंट उनके पास गई, बोले यार ऐसे कैसे आप गुड्स दे दे रहे हो, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आप एक काम करना, जब भी कभी आप सेल करोगे, क्या सेल करोगे, गुड्स को सेल करोगे, तो हमारा टैक्स निकाल लेना, जिसको हम बोलते हैं वैट। क्या बोलते हैं, वैट। ये चार्ज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इतना फिक्स दिमाग में बैठा लो, बराबर है। तो ये इन पे अमिताभ जी पे वैट चार्ज किए, तो अमिताभ जी ने क्या किया, वो गुड्स लिए। अच्छा ये गुड्स उसको, उनको जो मिले वो वैट लग के मिले ना, क्योंकि वैट का बर्डन किस पे, हमने पहले ही देखा था इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बर्डन किस पे आता है, किस पे आता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है या तो जो एंड यूजर रहता है। यहाँ पे एंड यूजर कौन था पहले, यहां तक की अगर बात हम समझे तो यहाँ पे एंड यूजर कौन था, सिर्फ अमिताभ जी, ऐसा समझ के चलो। तो अमिताभ जी पे आ गया बर्डन वैट का। हाँ अमिताभ जी ने वैट पे कर दिया किसको, मतलब जया जी ने गवर्नमेंट को दिया और अमिताभ जी से वसूल किया। अमिताभ जी ने क्या दिया फिर, इसका मतलब अमिताभ जी ने अपने परचेस पे वैट दिया। ठीक है। अब समझो, अब क्या है, अब अमिताभ जी ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, क्या किया, गुड्स मैन्युफैक्चर किया। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आई, यार बोले स्टेट गवर्नमेंट को तो पैसा मिल गया, हमको कुछ नहीं मिल रहा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे ही पैसा होगा और हमारे पास क्या होगा, हाँ नहीं, हमको भी चाहिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट झगड़े करने लगे, यार बोले सेल पे मैं लगाऊंगा, वो बोले सेल पे मैं लगाऊंगा, दोनों झगड़ने लगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जान दे, ठीक है फिक्स, इसके बाद से जब भी कभी सेल होगा कोई भी गुड्स का, तुम टैक्स चार्ज कर देना। स्टेट गवर्नमेंट खुश। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जब भी कभी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तब हम चार्ज करेंगे टैक्स, जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। मतलब अमिताभ जी ने जब ये गुड्स प्रोड्यूस किया तो उनको क्या लगा, एक्साइज ड्यूटी। अच्छा इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। अच्छा मैन्युफैक्चर करके घर पे रख दिया क्या, नहीं ना, अभी को जब मैन्युफैक्चर किया तो सिर्फ घर पे बैठा के रखा क्या, नहीं ना, उसको आगे किसी को दिया ना, किसको दिया, ऐश्वर्या को दिया, तो आगे सेल किया ना, मतलब फर्दर सेल हुआ फिर से भाई शपथ। हाँ फिर से सेल हुआ, सेल हुआ तो क्या हुआ, करंट लगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट फिर आई भागती भागती, अमिताभ जी अमिताभ जी आप तो सेल कर रहे हो आगे, हाँ तो सेल कर रहे हो तो हमारा तो वैट लगना बनता है। हाँ यार ये बात तो सही है, आप बोल रहे थे कि सेल पे हम वैट लगाएंगे, तो फिर इन्होंने ये आ गए, मतलब यहाँ पे पहले आई सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर जब वैट की बारी आई तो आई स्टेट गवर्नमेंट, दोनों अपने पैसे मांगने लगे। फिर अमिताभ जी ने बोला यार आप हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हो, चलो तो ठीक है एक्साइज ड्यूटी तो हम दे भी दे, क्योंकि हमने इसके पहले कभी दी नहीं, फर्स्ट टाइम दे रहे। वैट रेखा जी ने दिया था, जया जी ने दिया था,
वो जो हमको लगा के दिया था उस वो तुत्ता तो हमने दिया ही है ना ऑलरेडी, फिर कब का वैट मांग रहे हो? फिर स्टेट गवर्नमेंट सोच में गिर गई यार, बोले हाँ सही बात है, इन्होंने तो वैट दे दिया है, फिर अब कैसे मांगे इनको। तो फिर डिस्कशन हुआ, फिर अमिताभ जी को स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोली, बोले अमिताभ जी आपने जो गुड्स देखा और जया जी से लिया था उसमें कुछ तो वैल्यू एडिशन किया होगा। हाँ वैल्यू एडिशन तो किया है। अच्छा वो जो गुड्स है आप जितने में लाए उतने में आगे बेच रहे हो? बोले नहीं, हमारा प्रॉफिट हम नहीं कमाएंगे, हम देंगे ऐश्वर्या जी को, अगर कुछ दे रहे हैं तो उनसे कुछ पहले लेंगे तो देंगे, ये तो ऐसे कैसे देंगे, मतलब उनसे कुछ तो कमाएंगे कि नहीं। हाँ यार कमाएंगे तो सही। तो फिर वाट मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप जितना वैल्यू ऐड कर रहे हो, मतलब समझा नहीं समझा नहीं समझा नहीं, मतलब एग्जांपल समझ के चलो कि रेखा जी और जया जी ने 10-10 रुपए के अंदर कोई गुड्स दिया जिसके ऊपर वैट लगा था, बराबर है, मतलब 20 रुपीज के ऊपर ऐसा समझो 10% वैट लगा था, 2 रुपीज। अब अमिताभ जी ये प्रोडक्ट आगे 30 रुपीज में अगर सेल कर रहे हैं तो 30 रुपीज का 10% कितना हुआ बच्चों, 3 रुपीज, बराबर है। 2 रुपीज तो ऑलरेडी दे दिए थे, किसने दिए थे, रेखा जी और जया जी ने, गॉट इट, यस। तो अब बचा कितना, 1 रुपी, मतलब जो दोनों का डिफरेंस है, मतलब ये बात समझ लो बहुत अच्छी से। हम क्या करते हैं, अगर हमारा इनपुट में भी वैट है और आउटपुट में भी वैट है, क्या इनपुट, इनपुट मतलब समझा बच्चों परचेस, और आउटपुट मतलब सेल, हमारे इनपुट में अगर वैट लगा है और हमारे आउटपुट में भी वैट है तो हम क्या करते हैं, जो इनपुट में लगा वैट है उसका क्रेडिट ले लेते। समझा नहीं सर, वापिस बोलो। मतलब हम क्या करते हैं, जो सेल पे लगने वाला वैट है उसमें से परचेस पे जो लगा हुआ वैट था वो माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे, और बचे हुआ जो बैलेंस डिफरेंस है वो वैट पेएबल। समझे बच्चों, वेरी नाइस, यस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका तो हो गया, किसका, वैट का तो हो गया, वैट तो निकल गया, क्यों, कि अमिताभ जी ने तो बहुत अच्छी से कन्विंस कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि देखो स्टेट गवर्नमेंट हम क्या बोलते हैं, आपने आपका कितना होता रहे, 3 रुपए होता है ना 10% के हिसाब से, तो आप 2 रुपए तो ऑलरेडी ले चुके हो ना, अब 1 रुपया ले लो ना मेरे से, मैं देने को तैयार है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 रुपया देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। स्टेट गवर्नमेंट भी मान गई, बोले भाई मेरे को मेरा टैक्स मिल गया, बात खत्म। अब बात आई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अमिताभ जी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी गए, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्साइज ड्यूटी का क्या करने गए, हम तो भर रहे। बोले तेरे को लग रहा क्या वो टैक्स, तू तो आगे पास ऑन कर रहा है ना ऐश्वर्या को, तू तो ऐश्वर्या से वसूल करेगा ना, फिर जाना देना उसको, क्यों कि उसके इनपुट में, मतलब अमिताभ जी के इनपुट में एक्साइज लगा था क्या बच्चों, नहीं लगा था ना, क्योंकि उधर मैन्युफैक्चर थोड़ी हो रहा था, वो तो ट्रेडर थे और अमिताभ जी मैन्युफैक्चरर है, तो फिर तो विषय ही नहीं है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का तो आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। वेरी नाइस, समझ गए बच्चों। हाँ अब देखो अमिताभ जी भी महाराष्ट्र के ही थे अपने यहाँ, और ऐश्वर्या जी भी, अब ऐश्वर्या जी को क्या मिला, अभी मिला, क्या मिला, अभी मिला। अमिताभ जी क्या करते थे पहले से ही, किसको सर्विस देते थे, सलमान जी को, हंसो मत, हाँ ध्यान सुनो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो सलमान जी को क्या करते थे, सर्विसेज देती थी, तो फिर और गुड्स किसको देते थे, करिश्मा को, मतलब अमिताभ जी से लेते थे, करिश्मा जी को दे देते थे। तो फिर ऐश्वर्या जी ने गुड्स लिया, क्या लिया, अभी, और फिर करिश्मा जी को आगे पास ऑन किया, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन करके, और कुछ सर्विसेज दी, जैसे वो कैसा है, ऐश्वर्या जी ट्रेडर भी थे और लॉयर भी थे, तो लॉयर थे तो लॉ की जो सर्विस, मतलब लीगल सर्विसेज दी सलमान जी को, और करिश्मा जी को दिए गुड्स, मतलब जब ऐश्वर्या जी आगे सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो गुड्स जब आगे सेल करते थे तो क्या लगेगा, बोलो जल्दी, हाँ बहुत मारूंगा, वैट लगेगा। अरे भाई हमने क्या बोला, वैट कब लगेगा, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर वैट लगेगा, ऐश्वर्या जी आगे सेल कर रहे हैं ना गुड्स, हाँ तो फिर वैट लगेगा ना, हाँ लगेगा 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 सर। हाँ अब बची सर्विसेज, तो सर्विसेज दे रहे तो उसके ऊपर भी टैक्स चाहिए, क्योंकि तुमने कमाया तो हमको भी चाहिए, कौन बोला ऐसा, सेंट्रल गवर्नमेंट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ए रुक, सलमान को सर्विसेज दे रही हूँ, हाँ तो फिर सलमान को दो ना सर्विस, कमाओ उससे पैसे, कोई वादा नहीं है,
लेकिन हमको टैक्स मिलना चाहिए। इनका हुआ ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बच्चों, ठीक है, सर्विस टैक्स। यहां तक की बात समझ आई, कोई इशू? अच्छा, मैंने एक बात आपको बोला था कि यहाँ पे वैट लगता कब लगता, अगर गुड्स सेम स्टेट में होता। मतलब देखो बच्चों, सेल ऑफ गुड्स पे वैट है और ये अभी भी वैट यहाँ पे लग रहा है, बरोबर है? क्यों? कि गुड्स अगर हम सेम स्टेट में बेचते हैं या कोई भी स्टेट में बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स पे वैट है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। हाँ, अब क्या है, एक और टैक्स था जो गवर्नमेंट ने लाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो जो रेवेन्यू था स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, लेकिन लेवी करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम था CST। क्या नाम था? CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। ये कब लगाया जाता था बच्चों? अगर अगर कोई भी गुड्स हम हमारे स्टेट के बाहर किसी और स्टेट में जाके बेचते हैं, या किसी और स्टेट में जाके वो माल बेचा जाता है या बिकता है, तो उस स्टेट में जब भी माल जाएगा तब वहां पे CST लगेगा। क्या लगेगा? CST। CST कब लगता है? इंटर स्टेट सेल पे। बच्चों इंटरनेशनल पता है ना अपने को? इंटरनेशनल मतलब क्या रहता है? दूसरे नेशन का मतलब, वैसे इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में, समझा? हाँ, CST जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, यहां तक की बात समझ आई? अच्छा, ये जो चार्ज होता है, ये रेवेन्यू किसका है? मैंने बोला आपको ये जो रेवेन्यू है वो है स्टेट गवर्नमेंट का। किसका रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट। वेरी नाइस, चलो ठीक है। ऐश्वर्या जी को अब क्या क्या टैक्स लग रहे हैं? देखो, एक लग रहा है वैट, एक लग रहा है सर्विस टैक्स जो सलमान जी को दे रहे हैं, और एक लग रहा है CST। CST किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है। कौन से गुड्स पे लगा? ये जो करिश्मा जी को बेचा ना, उस पे लगा। किस पे लगा? जो करिश्मा जी को बेचा ना अभी हमने, उस पे लगा CST। गॉट इट? तो अब ये बात समझ लो, जैसे कि अमिताभ जी ने वैट कितना दिया था? अरे 1 ही रुपये दिया था, बराबर है? अब क्या हुआ, जब ऐश्वर्या जी पे बात आई तो ऐश्वर्या जी भी बोली कि यार तुम, अब मैं 40 में सेल कर रही हूं, आप मेरे ऊपर कितना, 4 रुपीज बैठा, 4 रुपीज दूं मैं? कहाँ से 4 रुपीज दूं? ऐसे कैसे चलेगा? मैं नहीं रहे 4 रुपये। रोने लग गई ऐश्वर्या जी। यार बोले, मैं करिश्मा जी को बेच रही हूँ तो मेरे को बैठ 4 रुपये लगाओगे? बोले, रो मत, जो आपको 3 रुपये पहले, मतलब अमिताभ जी ने भर दिया है ना, पहले 2 भरा था रेखा और जया का, फिर अमिताभ जी ने खुद का भरा था 1 रुपया, अब बचा कितना? 1 रुपया। आप सिर्फ एक काम करो, वो 1 रुपया दे दो बैट का। मतलब वैट एक बहुत 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 बेसिक टर्म है, समझ जाओ। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होता है, वैल्यू ऐड मतलब जैसे जैसे आप, आपका उसके अंदर प्रॉफिट का जो पोर्शन है ऐड करते हो ना, वो पोर्शन पे जो टैक्स लगता है उसे हम वैट बोलते हैं। उसका नाम ही बहुत अच्छी से समझ जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? हर एक स्टेप पे जैसे जैसे सेल होता है वैसे वैसे टैक्स गवर्नमेंट को जाता है एज अ इनकम। बहुत क्लियर? अब बात समझ में आई कि वैट तो हमने दे दिया। अब ऐश्वर्या जी और गई रोती रोती सेंट्रल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट का तो मैटर क्लोज हो गया ना रे, उसको दे दिया। फिर ये आई इधर, बोले देखो सुनो मेरी बात, अमिताभ जी ने एक्साइज ड्यूटी भी दी थी ना? बोले हाँ। उसका बर्डन किसके ऊपर गिरा? मेरे ऊपर, मतलब ऐश्वर्या के ऊपर, क्योंकि अमिताभ जी तो देने वाले हैं, वो तो नाम मात्र है बेचारे। आपकी जेब से गया किसके? ऐश्वर्या के। तो ऐश्वर्या को रोना आया, बोले यार मेरे तो बैड भी गया, एक्साइज भी मेरे ही जेब से गया। ऐश्वर्या बोली यार सुनो सुनो सुनो, ये जो इनकम थी एक्साइज ड्यूटी की, वो किसकी थी? किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सर्विस टैक्स किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी सर्विस टैक्स। ऐश्वर्या बोली देखो, मैं सर्विस दे रही आगे, तो मैं ये जो टैक्स है सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दूंगी।
एक काम करो ना, वो जो एक्साइज ड्यूटी उसका क्लेम दे दो ना थोड़ा। नहीं यार, वो एक्साइज ड्यूटी मैंने पहले भरा है ना, उसका थोड़ा सा क्लेम दे दो। मतलब कैसा है, मेरे को थोड़ा उतना कम भरना पड़ेगा, तो कुछ कंडीशन और वहां पे रख के उन्होंने वो अलाउ किया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, परचेज पे लगा तो सेल पे उसका। मतलब ये चीज बहुत 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 क्लियर है, जब भी कभी आपके इनपुट पे अगर टैक्स लग के आता है, तो आपको जब आउटपुट पे जो टैक्स लगता है उसमें से उतना कम करके देना है। लेकिन अगर वो टैक्स सेम है तो, अब ये जो CST है ये बहुत अलग कंसेप्ट है बच्चों। मतलब ये कंसेप्ट आपको अगर समझना है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ CST क्या है और कैसे इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ करता था। CST, CST लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, और रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। CST जो था ना, ये CST, ये है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। बच्चों अच्छे से समझो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आपको समझेगा तो मैं आपको GST समझा पाऊँ। ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स मतलब जिस भी स्टेट के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होंगे उस स्टेट का वो रेवेन्यू होगा। वापस बोलो सर, नहीं समझा। सुनो सुनो सुनो, ओरिजिन बेस्ड टैक्स मतलब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के अंदर गुड्स अमिताभ ने बनाए, कौन से स्टेट में बनाए? महाराष्ट्र में। और ऐसा समझो कि अगर ऐश्वर्या जी को दिए, किसको दिए? ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या जी जो है वो है कर्नाटक के। एग्जाम्पल ले रहा है बच्चों, वो ऊपर का एग्जाम्पल अभी रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ये एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस करो। ओरिजिन बेस्ड टैक्स सब बता रहा हूँ, यहाँ पे अमिताभ जी ने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, ये है महाराष्ट्र के, इन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया और ये जो गुड्स बनाया उसके बाद में उन्होंने कर्नाटक में सेल किया। तो मेरे को एक बात बताओ, जब CST लगेगा तो कौन से स्टेट की इनकम होनी चाहिए? क्योंकि कलेक्ट तो कर लेगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करके रख लिया, तो किसको देना चाहिए ये इनकम? तो जब CST बनाया गया था ना, तभी प्रोविजन डाल दी गई थी कि जो भी स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा वो स्टेट की उतनी इनकम रहेगी। समझ रहा? नहीं समझा आपको, समझ लो। जहां पे कंजम्पशन हो रहा वहां पे टैक्स नहीं लग रहा, जहां से गुड्स जा रहा मतलब जरूरी नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा, मैं ट्रेडर हूँ। जैसे कि ऐश्वर्या जी थे पहले के एग्जाम्पल में, जैसे ऐश्वर्या जी थे, ऐश्वर्या जी ट्रेडर थे, उन्होंने क्या किया, करिश्मा जी को जाके सेल किया, कौन से? दूसरे स्टेट में। लेकिन रेवेन्यू कौन से स्टेट का था? महाराष्ट्र स्टेट का था। क्यों? कि ऐश्वर्या जी जहाँ से मतलब जहाँ से ओरिजिन है उस गुड्स का, उस स्टेट को वो रेवेन्यू पकड़ा जाएगा। गॉट इट? मतलब हमने ये समझ लिया CST इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मतलब यहाँ पे वो जो इनकम है वो कौन से गवर्नमेंट की? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ना कि कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट से वसूल किया जाएगा, मतलब कर्नाटक गवर्नमेंट से नहीं, एक्चुअली ऐश्वर्या जी से वसूल किया जाएगा और पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया जाएगा। हाँ बच्चों, एक चीज समझ गए बाप, ऐश्वर्या जी ने कर्नाटक। अब हम वापिस पुराने एग्जाम्पल पे आते। अब देखो, ऐश्वर्या जी महाराष्ट्र के थे, ऐश्वर्या जी ने CST कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया? करिश्मा जी को, और किसको दिया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब करिश्मा जी ने ना आगे कर्नाटक में ही करीना बेबो बेबो को वही सेम गुड्स आगे सेल की, कहाँ पे? सेम सेम स्टेट, हाँ, कर्नाटक में ही। ओके, कर्नाटक के, कर्नाटक में सेल करोगे तो क्या क्या लगेगा बोलो? एक्साइज लगेगा, है ना? हाँ, CST लगेगा, है ना? मारता पकड़ के बिल्कुल नहीं, सिर्फ क्या लगेगा? वैट लगेगा, क्योंकि वैट कब लगता है? गुड्स पे। मैं मजा करता है बच्चों, थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। हाँ, तो अब बेबो को क्या लग रहा है? सिर्फ वैट लग रहा है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे अगर परचेस में वैट है तो सेल में वैट का आपको क्रेडिट मिलेगा, मतलब सेल में वैट को, वैट में कब क्रेडिट मिलेगा? जब परचेस में लग के आया। यहाँ पे बेबो को लग के आया क्या? हाँ, क्योंकि करिश्मा जी आगे बेच रहे तो वो वैट लगा रहे, है
हाँ, और करिश्मा जी को जब आया था तब वैट लग के आया था, हाउ ना वैट लग के आया था ना, तो इसका मतलब बेबो जी भी कितना भरेंगे, जो परचेस पे वैट लग के आया उसमें से थोड़ा कम, जितना कम होगा और बचे हुआ भर देंगे। लेकिन सीएसटी का ऐसा सीन नहीं है, सीएसटी समझ जाओ बच्चों, जैसे हमको सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल गया था, एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मिल सकता था अगर परचेस में एक्साइज लग के आता था तो, लेकिन सीएसटी में वो सीन नहीं है, क्योंकि सीएसटी के अंदर आपको क्रेडिट ही नहीं मिलता। जब आप आगे सेल करते हो ना तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, मतलब ये चीज समझ लो आप, अगर वो गुड्स जैसा कोई भी गुड्स होता, वो अगर 40 रुपीज का था, उस पर 2-4 रुपीज वैट के थे, जीएसटी के थे 6 रुपीज, ऐसा समझो, मतलब वो गुड्स अगर बेबो को 50 में गिरा तो आगे जब बेबो किसी को सेल करेगी तो इसके ऊपर जो सीएसटी लग के आया क्रेडिट मिलेगा क्या? जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा क्या बच्चों? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आगे लग के जाएगा उसके अंदर सीएसटी लगेगा, और वो सीएसटी जो लगा है उसका क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर पाओगे बच्चों। हाँ, तो ये एक क्या सीन हो गया है, यहाँ पे टैक्स लग रहा है, मतलब कैसा कि अब इसको बेबो को अगर 50 में कोई माल गिर रहा है और वो आगे सेल कर रहे हैं तो बेबो क्या करेगी, वो सिर्फ 4 रुपीज का क्लेम करेगी, मतलब 46 पे वैट प्लस उसके ऊपर जो भी उसकी इनकम रहेगी, मतलब जो सीएसटी लगा है उस पर भी वैट लग रहा है, मतलब आगे जब सेल कर रहे हैं जो सीएसटी लग गया है उस पर भी वैट लग रहा है, मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा ना, जो सीएसटी लग गया टैक्स पे टैक्स लग रहा, ये चीज समझ जाओ आप, ये एक सबसे बड़ा लैक्यूना था पुराने टैक्स लॉज के अंदर, वहां पे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते इसको, क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट होता था जिसके वजह से पुराने लॉज, और एक देखो मेरी बात समझ लो, इतने सारे टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, क्या क्या, अरे रे, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, भाई साहब लग्जरी टैक्स, कितने टैक्स भरेगा एक इंसान, फिर बस अब इन खत्म। अब आएंगे हम, ये टैक्स कब आया, जीएसटी लाने से पहले क्या क्या, किस किसने क्या क्या किया, वो थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों 2000 के अंदर, मतलब जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी 1999 के अंदर और 2000 के अंदर, तब वाजपेयी गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक पॉइंट रखा था कि हम लोग जीएसटी लाएंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी आ चुका था। जीएसटी की संकल्पना, मतलब जीएसटी का जो बेस था वो यही था कि इतने सारे सब जो जो इतने इतने सारे टैक्सेस है उन सबको उखाड़ लो और उसके जगह पे एक टैक्स घुसा, फिक्स। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही थी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आ रही थी स्टेट और सेंट्रल का रेवेन्यू। ऐसा था पहले, जैसे मैंने आपको बताया वैट में स्टेट गवर्नमेंट का फिक्स था वो उनके हिसाब से चार्ज करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का उनके हिसाब से फिक्स था वो उनके हिसाब से चार्ज करते थे, उनको भाई एक्साइज देने लेना है वो लेंगे, उनको जितना मर्जी है, मतलब वो उनके हिसाब से जितना उनको मैन्युफैक्चर पे लेना है ले ले, सर्विस टैक्स पे उनको जितना लेना है ले ले, वैट में स्टेट गवर्नमेंट को जितना लेना है ले ले, सीएसटी में जितना गवर्नमेंट को लेना है मतलब जो चार्ज करना है वो ले ले। लेकिन जब बात आई जीएसटी की, मतलब वन नेशन टैक्स, तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में ये खड़ा हुआ टैक्स प्रिपेयर के, कि यार रेवेन्यू कैसे बांटे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे भी एडजस्ट कर, स्टेट गवर्नमेंट रो रही थी, और स्टेट गवर्नमेंट बोले तो वो टाइम पे भी 28 स्टेट तो थे ही ना, तो वो स्टेट रो रहे थे कि हमको हमारा रेवेन्यू का अगर लॉस हुआ तो क्या। तो फिर 2000 में सबसे पहले एक कमेटी बना बैठाई गई, हमने इससे पहले हमने देखा है लॉ कैसे बनता है, हाँ मैं फिर से वही रिपीट नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि ये कब से शुरू हुआ और कब आके एंड हुआ। जैसे 2000 के अंदर हम देखते हैं कि भाई वाजपेयी जी ने सबसे पहले फर्स्टली वो जो अपना जीएसटी का फ्रेमवर्क है वो डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि भाई एक बॉडी बनाते हैं जो इसके ऊपर स्टडी करेंगी और वो बताएंगी कि हमने कैसे टैक्स लाना चाहिए और क्या क्या रिफॉर्म्स हमने करना चाहिए। उसके बाद में 2004 के अंदर एक केलकर कमिटी बोल के है, विजय केलकर की,
वो एडवाइजर थे फाइनेंस मिनिस्टर के, उनको बुलाया गया, उन्होंने उसके ऊपर कुछ अपने सजेशंस दिए। ऐसा करते 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 2011 तक के वो सीन चलता ही रहा। मतलब गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट उसके बाद आई थी, 2010 के अंदर चिदंबरम जी ने बोल दिया था, नहीं 2006 के अंदर चिदंबरम जी ने बोल दिया था, सॉरी, उन्होंने बोल दिया था कि हम 2010 तक जीएसटी पिक्चर में लेके आएंगे। लेकिन कुछ इश्यूज थे, जिस मतलब कुछ इश्यूज मतलब वही थे जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लैशेस, और जिसके अंदर मतलब जो रूलिंग पार्टीज थी उन्होंने बहुत सा बखेड़ा खड़ा किया कि नहीं हमको ये कंडीशन नहीं चाहिए, वो कंडीशन फॉलो नहीं करते, जिसके वजह से 2010 के अंदर वो पॉसिबल नहीं हुआ इम्प्लीमेंट करना। फिर 2013 तक के वो मैटर वैसे ही चलता गया। 2014 के अंदर जब फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम मोदी जी बने, तब उन्होंने जीएसटी को पिक्चर में लाने का डिसाइड किया कि हाँ हमको जीएसटी मैंडेटरीली लाना है। और फिर मतलब जो एनडीए गवर्नमेंट के अंदर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अभी जो बने थे वो टाइम पे 2014 में, जो कि थे अरुण जी जेटली, उन्होंने पूरी मेहनत की। और 2017 के अंदर, मतलब 2016 के अंदर वो लॉ आ गया जहाँ पे प्रेसिडेंट की साइन मिली, और 1 जुलाई 2017 को हमने एक बहुत सा प्यारा सा लॉ लेके आए जो था जीएसटी। क्या रहता बच्चों? जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। क्यों नहीं, कुछ लोग हैं जो अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है बच्चों? गुड्स ने हिस्ट्री भी देखी बच्चों, मैं बहुत फास्ट में देखी हिस्ट्री, क्योंकि वो हिस्ट्री का हमको कोई यहाँ पे बहुत नेसेसिटी नहीं है, या आपके सिलेबस में भी कहीं हिस्ट्री दी गई नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज पर्पज के लिए मैंने सिर्फ वो चीज़ बताई है कि भाई जीएसटी कब शुरुआत में आया और कब वो एक्चुअल पिक्चर में आया। वो आया 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ। एप्लीकेबिलिटी क्या है? 1 जुलाई 2017। अच्छा, समझ गए। अब मेरे को एक बात बताओ, जीएसटी में कौन कौन से लॉ बनाए गए? अरे मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो नाम हुआ सिर्फ टैक्स का, एक्चुअल में 4 लॉज बनाए गए थे, मतलब 4 एक्ट बनाए गए। एक था CGST एक्ट, एक था SGST एक्ट, एक था UTGST एक्ट, और एक था कंपेंसेशन। गुड्स एंड सर्विस कंपेंसेशन एक्ट, बराबर है। ये कंपेंसेशन क्यों बनाया था? जैसा कि मैंने बोला था, स्टेट जब ये लॉ बन रहा था ना, तो भी तब भी प्रॉब्लम थे, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इसके पहले की गवर्नमेंट जो थी वो बोल रही थी सेंट्रल और स्टेट में कैसे बांटेंगे। तो फिर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, मतलब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क और इंट्रोड्यूस की गई, उसके अंदर ऐसा बोला गया कि जो भी लॉ, मतलब जो भी हम टैक्स चार्ज करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आधा रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आधा, तो जितनी भी इनकम होगी वो आधी स्टेट गवर्नमेंट की आधी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और अगर कभी, अगर मतलब ऐसा होता है कि स्टेट उस टाइम पे भी थोड़े से प्रॉब्लम में ही थे कि यार एक्ट तो लेके आ जाओगे, जीएसटी आ जाएगा, हमको अगर रेवेन्यू का लॉस हुआ तो हम क्या करना। तो फिर जब जीएसटी बनाया गया तब एक प्रोविजन ये डाली गई कि अगर किसी स्टेट को लॉस होता है तो उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, और उसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया, जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट। क्या बनाया गया? जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट। ये एक्ट के थ्रू हमने जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको अश्योरेंस दिया कि आपको अगर कोई लॉस होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भर के देगी। कब? कितने साल? 4 साल, ध्यान रखना बच्चों, 4 साल तक के भर के देगी, ऐसा बोला गया। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट क्या है सर? आप लिख दिए सीजीएसटी क्या रहता है? सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस एक्ट। एक है IGST एक्ट। एक्चुअली बच्चों CGST और UTGST वन एंड द सेम है, मतलब स्टेट, और जैसे हमको पता है स्टेट कितने हैं इंडिया में अभी, 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। ठीक है, तो वो दोनों के लिए एक लॉ था,
और IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जो कि हम अभी 2 मिनट के लिए समझ सकते कि ये पुराना CST था, मतलब इंटर स्टेट पे लगने वाला जो टैक्स था वो IGST, लेकिन उसका और इसका कोई ये नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का उसमें बहुत डिफरेंस है ना बच्चों। तो हम ये समझ रहे हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ये जो है ये कौन एडमिनिस्टर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसका ये रेवेन्यू किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसका रेवेन्यू है, ये किसका रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का, किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, और ये दोनों का है IGST मतलब दोनों का है कॉम्बो। यस, तो हमने अब समझ लिया GST जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 1 जुलाई को हुआ, तब हमने 4 एक्ट बनाए थे IGST CGST SGST और GST कंपनसेशन एक्ट। और ये एक्ट क्या करते थे, ये एक्ट ने हमको बताया कि कैसे हम GST लगा सकते, कहाँ कहाँ लगा सकते, गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे बच्चों। क्यों कि आपको ये जब तक नहीं समझेगा तब तक के कुछ मतलब ही नहीं है ना, हमको पूरा डिटेल समझना है। अब हम क्या समझ रहे हैं आगे देखो बच्चों, हमने ये देखा कि भाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया तो एक कंपनी बनाई गई, क्योंकि कैसा है गवर्नमेंट इतना सब नहीं इतना देख नहीं सकते, एक उन्होंने क्या किया एक कंपनी बनाई GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये क्या किया इसने, मतलब अगर कोई ए है और कोई बी है, ये दो डीलर है, ये एक डीलर है ये एक डीलर है, इसने इसको गुड्स गुड्स सेल किया, बरोबर है, गुड्स सेल किया तो क्या करेगा, जीएसटी लगाएगा, बराबर है ना, गुड्स गुड्स कब लगाएगा, गुड्स सेल करेगा तो जीएसटी लगाएगा, जब जीएसटी लगाएगा ना बच्चों वो, तो जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को देना है, बराबर है। तो इन्होंने क्या किया एक कंपनी बनाई, ये क्या है, ये पोर्टल है GSTN, ये पोर्टल है, ये पोर्टल क्या करता है कि ये ए डीलर से टैक्स के रिटर्न फाइल करवाता है, बराबर है, और टैक्स का पेमेंट करवाता है। तो ठीक बच्चों, बराबर है। और ये क्या करता है GSTN बी डीलर का, बी डीलर का वो इनपुट बताता है, भाई साहब समझ लो इसका क्या है आउटपुट, ये क्या कर रहा है आउटपुट, लेकिन इसके लिए जो इनपुट हुआ ना, क्योंकि ये आगे और सेल करेगा सी को, तो इसके लिए जो ए से खरीदा गया है माल वो क्या है, वो तो इनपुट हुआ, समझ रहे हैं आप। देखो ए ने बी को सेल किया, ए के लिए वो आउटपुट था, बी के लिए इनपुट था, बी ने लिया सी को दिया, सी के लिए अब आउट मतलब सी को आउटपुट दिया और सी के लिए हुआ इनपुट, समझ रहे, मतलब ये क्या करेगा इसके इनपुट में बताएगा कि टैक्स पे हुआ है, बी के इनपुट में क्या बताएगा टैक्स पे हुआ है, ये बताएगा इनपुट में, मतलब इसका काम क्या था, जीएसटी नेटवर्क का मेनली काम क्या था कि भाई जो डीलर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उनका पूरा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वो प्रॉपरली हैंडल करे, मतलब रिटर्न फाइलिंग पेमेंट का टैक्स। देखो सुनो सुनो सुनो, ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, ऑफिसर का काम क्या है टैक्स को कलेक्ट करना, रेवेन्यू में जमा करना, ये टैक्स का मतलब ये किसका है ऑफिसर्स का काम। जीएसटीएन सिर्फ एक मीडियम है, कुछ काम एजेंट है वो क्या करता है सिर्फ ये दोनों को लिंक करके देता है, तो वो जीएसटीएन पोर्टल अभी फिलहाल वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो 100% गवर्नमेंट कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हम समझ गए बहुत अच्छे से, आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये मैं आपको 2 मिनट देता हूँ आप ड्रॉ कर लो ये, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू कर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसके पीछे का भी करना है क्या, ये एग्जाम्पल कर लो, रुको पहले ये एग्जाम्पल कर लो अगर आपको ड्रॉ करना है तो, और उसके बाद में हम आगे जाएंगे।
एक काम करो ना, फोटो निकाल लो ना, ये लो इसका फोटो निकाल लो। ठीक है, अब नीचे का ले लो ये। ओके, बच्चों तो मेरे को एक बात बताओ, जीएसटी आने से पहले जो जितने भी टैक्सेस थे, आपको ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम हुए, मतलब सब्स्यूम मतलब जो खत्म हुए, और उसके बाद में कौन सा टैक्स आया। तो जैसे सेंटर और स्टेट, जैसे एक 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 चीज और रहेगी आपकी। मेरे को एक बात बताओ, जैसे वैट चार्ज करने की पावर कहाँ थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये कहाँ लिखा था याद करो, हमने बोला था पहले लिस्ट जो थी, हमने देखो शेड्यूल 7 देखा था, जिसके अंदर लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर वो वाट लिखा हुआ था, तभी हम चार्ज कर पाए। हाँ, तो वैसे ही सेंट्रल में मतलब यूनियन में ऐसा लिखा गया था कि आप एक्साइज के ऊपर मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स चार्ज कर सकते हो, तभी हमारे पास पावर आई बॉस कि हम एक्साइज लगाएंगे। वैसे जीएसटी लाना था तो हमको क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा, और वहां पे वो जो कॉन्करेंट लिस्ट थी वहां ऐड करना पड़ा। क्या ऐड करना पड़ा कि भाई साहब जीएसटी हमको लगाना है। तो हम दोनों के पास मतलब सेंट्रल और स्टेट, हम दोनों के पास पावर दे दो कि हम लोग जीएसटी चार्ज कर पाएंगे। ओके, हाँ, तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर ऐड किया गया, इसका 101st अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और उस तरीके से हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। करेक्ट है बच्चों, यहाँ तक अपन समझ में आ गए जीएसटी। हमको ये चीज समझ में आ गई कि वो जीएसटी कैसे आया पिक्चर। फिर एक चीज और समझाता हूँ आपको। कैसा है, एक बात समझो, जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर थी जीएसटी लगाने की, बराबर है। अब सेंटर और स्टेट इतने रिका में बैठे क्या रहे कि वो लोग रोज आएंगे, रोज देखेंगे जीएसटी में क्या कैसा रहा, आज क्या लाने का, कल क्या लाने का, ऐसा क्या वैसा क्या। फिर उन्होंने क्या किया, एक काउंसिल बनाया। क्या बनाया, कमिटी। अब कमिटी समझता है ना, एक काउंसिल बनाया जिसके अंदर आज अ सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो हेड है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनको, और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसके अंदर से एक तो फाइनेंस मिनिस्टर्स या तो रेवेन्यू मिनिस्टर जो भी है उनको एक मतलब उनका एक रिप्रेजेंटेटिव, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा बना के एक काउंसिल बनाया गया। ये काउंसिल क्या करता था, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है, मतलब जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए, जीएसटी किसके लिए एग्जम्प्ट होना चाहिए मतलब किसको जीएसटी नहीं लगाना है, और कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कब जीएसटी लगाना है, वैल्यू क्या रहेगी, सप्लाई कब होगा, ये सब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सब चीजें डिटरमाइन करने के लिए हमने काउंसिल बनाया। क्या किया बच्चों, काउंसिल बनाया। और काउंसिल का काम क्या था, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, टैरिफ रेट मतलब टैक्स रेट, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस करना और मीटिंग लेके उसके ऊपर आगे प्रोसेस करना, ये काम है। क्योंकि बॉडी मैंडेटरी थी उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए। करेक्ट है बच्चों, हाँ। तो जीएसटी काउंसिल बनाया गया। आप वो थ्योरी अगर एक बार पढ़ लोगे जीएसटी काउंसिल की, हमारे बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से दी है, लेकिन फिर भी आपको रीड करना है। आपको कोई डाउट आता है तो नीचे नंबर दिया गया है, आप सर को कभी भी मैसेज करो, कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन आप क्वेश्चन पूछोगे और घर पे जाके पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो बच्चों सच में बहुत मार खाओगे। हाँ सर, आप कैसे मारोगे, मेरे मेरे पास में है, हाँ जादू की छड़ी है, मैं आके मारूंगा वापस तुम्हारे को, देख लेना। तो आपको घर पे जाके डेली डेली का डेली पढ़ना है। देखो बच्चों, मैं आपको बोलता जीएसटी जितना इजी लॉ कोई नहीं है, लेकिन कब, अगर आप रोज पढ़ोगे तब। आपको रोज के रोज डेली रिवाइज करना है कि सर आपने आज जो पढ़ाया हम घर जाके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने अब जीएसटी काउंसिल देखा कि जीएसटी काउंसिल किस लिए बनाया गया। अब एक चीज अब समझो कि जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा हमने देखा था सेंट्रल
सीएसटी जो था वो था कौन सा, ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मतलब परचेस जो स्टेट करता था उस स्टेट को हम क्या करते थे, वो उस स्टेट का वो उस स्टेट का रेवेन्यू होता था, करेक्ट। अब जीएसटी में ऐसा, जीएसटी में कैसे है? देखो बच्चों, जीएसटी के अंदर अगर ए है, बी है, ए है महाराष्ट्र का, बी है महाराष्ट्र, ए बी को कोई गुड्स सेल करता है, क्या करता है, गुड्स सेल करता है, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी ले लो, अभी हम गुड्स लेते हैं वैसे, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज कुछ देता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना मैंडेटरी है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो हम बाद में देखेंगे, अभी से हम ये समझो कि जीएसटी लगता है। तो ये कौन से एक्ट में आएगा, ये आता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब क्या, ये जब जीएसटी लगाएगा, जैसे ऐसा समझो कि टैक्स रेट जो है वो 18% है, कितना है 18%, तो इसके अंदर से सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% हुआ जैसे मैंने आपको बोला था, और स्टेट गवर्नमेंट का 9%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 9% लेगी और स्टेट गवर्नमेंट 9% लेगी इसका जो इनकम है। तो ये जो इनकम हुई, जो रेवेन्यू हुई, वो कौन से गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र की, ये समझे, यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, है ना। अब थोड़ा आगे जाते, आगे समझेंगे, ए और बी सेम सेम, लेकिन डिफरेंस एक ही है, क्या, ए जो है वो है महाराष्ट्र के और बी जो है वो है कर्नाटका, ठीक है। अब ए ने फिर से सेल किया गुड्स या सर्विस कुछ भी, हाँ सेल किया, क्या किया, सेल किया, तो जीएसटी तो लगेगा ही। अब बताओ, अब सीजीएसटी लगाओ, एसजीएसटी लगाओ, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ सेपरेट एक्ट दिया गया है आईजीएस, जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये कब लगता है, आपके इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, ठीक है बच्चों, ये कब चार्ज होता है, आपके इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, ठीक है, और ये कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में रेवेन्यू आधा गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अभी दिमाग में ये अराइज हुआ है, रेवेन्यू किसका, महाराष्ट्र का, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का या कर्नाटक गवर्नमेंट, सीएसटी में तो बहुत क्लियर था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता था, यहाँ पे भी वैसी है क्या, ना बाबा ना, यहाँ इन्होंने बोला कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम कौन कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है, मतलब ये जो इनकम हुई वो किसकी हुई, कर्नाटका गवर्नमेंट की हुई रे बच्चों, किसकी हुई, कर्नाटका गवर्नमेंट की हुई, बराबर है। तो ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, जो पहले के लॉस थे उसके अंदर क्या था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहां पे कंजम्पशन होगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उस गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू समझा जाएगा, मतलब जो जितना कंज्यूम कर रहा है वो उसको उतनी इनकम हो रही है, ऐसा समझ के चलते हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब लॉ है, लॉ है, जो जितना कंज्यूम करेगा, ये कंडीशंस थी जो जीएसटी में पहले रखी गई थी और उसके ऊपर जीएसटी अप्रूव हुआ है, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है, कर्नाटका गवर्नमेंट के वो रेवेन्यू होगा, ये बात समझ गए आप बहुत अच्छे से, यस बच्चों। यूटी जीएसटी क्या था, आपने पूछा नहीं मेरे को, सी जीएसटी हो गया, एसजीएसटी मैंने आपको बोला, आईजीएसटी भी बोला, यूटी जीएसटी मतलब सी जीएसटी का भाई, मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन है ना, देखो जैसे स्टेट गवर्नमेंट रहती वैसे यूनियन टेरिटरी रहती है ना, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया UTGS, ठीक है। तो अब हम ये समझ गए कि कैसे टैक्स चार्ज होता है, गुड्स पे होता है, सर्विसेज पे होता है, जीएसटी जो चार्ज होता है वो किस पे होता है, गुड्स पे और सर्विस, क्योंकि जीएसटी का नाम ही है यार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। चलो बहुत अच्छे से हमने समझ लिया, अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, जैसे कि जीएसटी में हम जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज गुड्स,
वॉट इज सर्विसेज, क्योंकि हमको जब तक ये पता नहीं रहेगा तो हम कैसे समझेंगे ना गुड्स क्या है सर्विसेज क्या है। फिर कब चार्ज होगा, तो सप्लाई पे होता है जीएसटी जो चार्ज होता है वो सप्लाई पे होता है। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। इतना मज़ा आएगा ना आपको, एक एक पॉइंट ऐसा अपन डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए मैं अभी इतना कंप्लीट करता हूँ, मतलब यहाँ तक ही आज पढ़ूंगा मैं। इसके बाद का जो भी है अपना, इसके बाद हम सीधा जाएंगे डेफिनेशंस के ऊपर, जीएसटी की डेफिनेशंस क्या है, और उसके बाद में फिर हम एक एक कंसेप्ट को लेंगे और टॉपिक को क्लोज करेंगे। चलो बच्चों, चलो बाय बाय, बाय बाय करो सर को, चलो बाय, चलो मिलते हैं बच्चों, बाय।